की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट मिथिक फोर्ज के आउटफिट्स, साथ में आप एक बेब सेट है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में काफी सारे लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब से 2.2 का अपडेट आया तब से पबजी वाले आप कह सकते हो जो पुरानी स्किन्स है वो गेम में वापस लेके आ रहे हैं। जो पुराने सेट्स आए थे 2018 में हो गए या 2019 में सेट्स आए थे, तो वो जो सारे सेट्स हैं वो एक एक करके गेम में वापस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 2.5 अपडेट के अंदर जो स्किन्स अपडेट होने वाली है मिथिक फोर्ज के अंदर वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके आ चुके होंगे। ये चार स्किन्स हैं, ये आपको नेक्स्ट मिथिक फोर्ज के स्पिन में उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जिसके पास ये स्किन्स नहीं है वो तो यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है इस नेक्स्ट मिथिक फोर्ज के स्पिन के बाद, लेकिन जिसने यहाँ पे 2019 में अपना 20,000 या फिर 30,000 यूसी लगा के यहाँ पे स्पिन में क्रेट में जहाँ पे भी आइटम्स आई थी वहां से इसको निकाला था, तो उसके लिए यहाँ पे काफी बुरी चीज है। लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी पुरानी स्किन्स है वो धीरे धीरे करके सारी यहाँ पे वापस आएंगे इस मिथिक फोर्ज के अंदर। तो ये चारों सेट्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस बार जो सेट्स हैं उनके साथ जो इमोट्स हैं वो भी आ रहे हैं। लास्ट वाले यहाँ पे मिथिक फोर्ज में इमोट्स नहीं थे, उससे पहले मैं यहाँ पे इन्होंने इमोट्स चले थे। तो हो सकता है जो नेक्स्ट मिथिक फोर्ज होगा 2.6 का उसके अंदर जो सेट्स हैं उसके अंदर आपको जो इमोट्स हैं वो ना देखने को मिले। बाकी नेक्स्ट मिथिक फोर्ज के अंदर जो 6 आइटम्स अपडेट होने वाली है आप देख सकते हो। सबसे पहला आता है यहाँ पे इन्वेडर सेट, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मई 2019 के आसपास आया था और काफी लोगों का यहाँ पे फेवरेट सेट है। खासकर इसका जो यहाँ पे इमोट है वो सेट को काफी ओपी बनाता है, तो क्या ही खतरनाक सा सेट है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सेट भी थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो इन्वेडर सेट की तरह है, वैसा ही जो थीम है थोड़ा सा लगता है इस सेट का भी। यहाँ पे आर्कनॉइड सेट, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जब 2019 एंड होने वाला था तो उस टाइम किसी क्रेट के अंदर आया था ये सेट। इसके साथ हमें कार 90 डिस्का जो बैकपैक है आई थिंक वो भी आया था। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका भी एक मोटा है अपनी उंगली दिखाता है जो उसका। फिर यहाँ पे जो थर्ड मिथिक सेट है वो देख सकते हो यहाँ पे एक्सट्रीम पंक सेट। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में तो काफी लोगों को पता ही नहीं होगा क्योंकि ये सेट काफी पहले आया था, जब गेम लॉन्च हुआ था तो मेरे ख्याल से एक साल के अंदर ही जो सेट है ये आ गया था गेम में। काफी रेयर सेट है ये वाला भी और काफी लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे सेट। फिर यहाँ पे लास्ट में आता है ग्लेशियर सेट, तो ये तो मेरे ख्याल से विंटर में आया होगा जब गेम रिलीज हुआ था उसकी पहली विंटर में या फिर सेकंड विंटर में यहाँ पे जो ग्लेशियर सेट है वो आया था। तो ये भी काफी अच्छा सेट है, इसमें भी आपको जो इमोट है वो मिल जाता है। तो ये 6 आइटम्स रिफ्रेश हो जाएंगी 2.5 अपडेट में जिस दिन यहाँ पे वेतन का अपडेट आएगा या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल की फर्स्ट यहाँ पे डेट होगी रिलीज की, तो उसी दिन आपके गेम में भी यहाँ पे आइटम्स अपडेट हो जाएंगी और उसके बाद अपना आपको पता क्रिस्टल से आप यहाँ पे इनको रिडीम कर सकते हो। तो चाहो तो मेरे को बताना कमेंट्स में कि आपको यहाँ पे इनमें से अगर कोई फेवरेट है तो कौन सा और क्या आप इसमें यहाँ पे निकालने वाले उसको। फिर इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो बेब सेट है, काफी पहले ये बेब सेट आया था, आप क्या सोच रहे हो अगर यहाँ पे मिथिक फोर्ज में कभी आ जाएगा ये, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक वर्ड में आपको कहूँ तो यहाँ पे जो ये बेब सेट है ये नहीं आने वाला। लास्ट कुछ अपडेट से ही रूमर चल रहे हैं कि जो बेब सेट है वो वापस आ रहा है गेम में, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बेब सेट नहीं आने वाला। कोई भी यहाँ पे अभी न्यूज़ नहीं है कि जो बेब सेट है वो गेम में आ रहा है। जब फ्यूचर में अगर पबजी कभी कलाब करेगा बेब से फिर से तब यहाँ पे उसकी कुछ और ड्रेसेस आएंगी, तो उसके साथ यहाँ पे जो स्पिन आएगा क्रेट आएगा जहाँ पे भी आएगा तभी जो सेट है ये वापस हम देखने को मिल सकता है। उससे पहले यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि गेम में जो बेब सेट है ये आए। तो अब यही था आज की वीडियो।